आज अंतर जातीय विवाह को लोग बहुत प्रोत्साहन देते हैं, सरकारें देती हैं, लेकिन अंतर जातीय विवाह से जो वर्ण संकरता उत्पन्न होगी उस वर्ण संकरता के कारण कुल का विनाश हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका यहीं से प्रारंभ होती है। अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हुए, भगवान ने पूछा क्यों युद्ध नहीं करोगे, क्या बात है, क्यों तुम भाग रहे हो युद्ध से। तो अर्जुन ने यही कारण बताया कि इस युद्ध में कितने क्षत्रिय मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, अनाथ हो जाएंगी, उनका कोई आश्रय नहीं होगा, और उनके जीवन में अगर कोई ऐसी दुर्घटना हुई, उनकी बुद्धि बदल गई, उनके अंदर विकार उत्पन्न हुआ और यत्र तत्र वो कहीं भी चली गई, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें वर्ण संकर हो जाएंगी, और उसका परिणाम क्या होगा। बोले उनकी संतानें जब वर्ण संकर होंगी तो उनके जो पितर स्वर्ग में बैठे हैं वो भी नरक में चले जाएंगे। स्त्री सुदुष्टा सुवार्षणेय जायते वर्ण संकर संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। उनकी पिंडदानादि क्रियाएं ही लुप्त हो जाएंगी, उनके लिए कोई धर्म कर्म नहीं बचेगा। आज इन बातों को कहने में बड़े बड़े धर्माचार्य भी संकोच करते हैं, जबकि सनातन धर्म वर्णाश्रम पर ही टिका हुआ। अब वर्ण संकर दो प्रकार के होते हैं, अनुलोम प्रतिलोम, जिसमें प्रतिलोम वर्ण संकर बड़े भयानक होते हैं। प्रतिलोम वर्ण संकर का मतलब है कि माता उच्च वर्ण की हो और पिता निम्न वर्ण के हों, उससे उत्पन्न संतान जो प्रतिलोम वर्ण संकर होती है उनके लिए कोई वैदिक कर्म का विधान नहीं होता। अनुलोम वर्ण संकर के लिए तो शास्त्र में व्यवस्था भी है, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क स्मृति में अनुलोम जाति में उत्पन्न होने वालों के कर्म का निर्धारण मनु जी ने खूब किया है, विस्तार से किया है, याज्ञवल्क ने भी किया है, अन्य स्मृतिकारों ने भी किया है, लेकिन प्रतिलोम के लिए तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं। उनके लिए तो बस केवल जीवन यापन करने के लिए कोई धंधा कर लो, खा लो, और वैदिक कर्म का अधिकार नहीं रह जाता। उनके लिए केवल इतना ही नियम है, भगवान का स्मरण करो, और भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन का कल्याण कर लो, बाकी कोई वैदिक कर्म का उन्हें अधिकार नहीं रहता। आज जहां लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं कि अन्य लोगों के धर्म का परिवर्तन करके उन्हें समाज में शामिल कर लिया जाए, उनकी घर वापसी हो जाए, घर वापसी की बात हम भी मानते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए धार्मिक और शास्त्रीय समस्या है विद्वानों के लिए कि भाई उनको वापस करके किस वर्ग में सम्मिलित करोगे, ब्राह्मण में करोगे कि क्षत्रिय में करोगे कि वैश्य में करोगे कि शूद्र में करोगे, किस वर्ग में उनकी धर्म वापसी आप करोगे, इसका पहले निर्णय कर लो, क्योंकि सनातन धर्म तो वर्ण व्यवस्था पर चलता है, और अगर वर्ण व्यवस्था को त्याग करके आप उनकी घर वापसी करोगे तो किस वर्ण में करोगे, और कोई व्यक्ति दूसरा धर्म छोड़ करके आपके धर्म में आएगा तो वो ये आशा लेकर के आएगा कि हमको तो पंडित जी बना दिया जाए, हमको तो सबसे बड़ा पद मिल जाए, हम अपना धर्म छोड़ करके आ रहे हैं, तो आप उनको चतुर्थ वर्ण में रख नहीं सकते, अन्यत्र कहां ले जाओ, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, इस विषय पर भी विचार करना चाहिए। आखिर उनको आप किस प्रकार समाहित करके सनातन धर्म के स्वरूप को बचा पाएंगे, ये बहुत बड़ा शास्त्रीय विषय है, इस पर विद्वानों को विचार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से उनका समाधान किया जाए। तो बंधुओं, जो प्रतिलोम वर्ण संकर हैं उनके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं, और ऐसे वर्ण संकरों के द्वारा शास्त्र की विधि का जब लोप हो जाता है, उनके पितर भी जो स्वर्गादि में हैं वे नरक में चले जाते हैं। पतंति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया।